स्वागत करती हूं आप सभी का इंसाफ की आवाज में। आइए नजर फेरते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उलीडी थाना अंतर्गत रामनगर खड़िया बस्ती में बिजली विभाग की लापरवाही से 6 वर्ष के बालक हाई टेंशन तार की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया। परिवार वालों के अनुसार 6 वर्षीय बालक आयुष तिवारी अपने अन्य साथी के साथ घर के छत के ऊपर खेल रहा था। इसी बीच बरसात होने से छत के ऊपर से गुजर रहे 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार के करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसके दोनों हाथ पैर और शरीर के अन्य हिस्से गंभीर रूप से झुलस गए। बालक के परिजनों ने बताया कि कई बार बिजली विभाग को हाई टेंशन तार झूल जाने की शिकायत की थी, लेकिन किसी प्रकार का हाई टेंशन तार उठाने का प्रयास नहीं किया गया। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ही बालक आयुष गंभीर रूप से झुलस गया है। आशंका जताई जा रही है कि अगर जल्द ही झूले हुए हाई टेंशन तार को ठीक नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में किसी बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। सर देखिए, जैसे बारिश हो रहा था, तार का हाई टेंशन 11,000 का, वो काफी नीचे से होकर पार हो रहा है, तो जैसे ये छत पे गया तो बारिश के कारण 11,000 ने इसको टांग दिया, मतलब हल्का करंट लगा और ये फेंका गया, जिसमें इसके हाथ का उंगली भी ये गल गया, तो जल के कट के हल गए, ये भी जल गया, दोनों हाथ काम नहीं कर रहे, डॉक्टर जाना। दूसरा सर बात ऐसा है कि बगल में DVC का ऑफिस है, पुल के पास में, हम लोगों ने बताया था कि काफी बार तार काफी नीचे है, बट कोई सुनवाई नहीं है, तार नीचे होने के कारण जैसे घटना हुई। बाबू के साथ में और भी कोई साथ में थे? एक भाई था, तो भाई को चोट नहीं लगा, वो पीछे था तो उसने अपने आंखों से देखा, तो वो भी छोटे ही बच्चे से, 2 साल का बड़ा है। कितना उम्र है बाबू का? बाबू का 6 साल उम्र है। बिजली विभाग से आप कितना बार कंप्लेन करते हैं? 1-2 बार बताया गया, क्योंकि उसके आदमी हमारे घर होते ही आर पार होता है, तो बताया जाता है कि सर इतना नीचे है, देखिए कभी ऐसा घटना हो जाएगा, बारिश के दिनों में तो अक्सर ऐसा होता है, तो सर आज हमारे साथ ये बीत जाएगा ये पता नहीं। तो लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।